Welcome, my dear friends. Now in this session, we are going to study our expansion wall. ठीक है कि ये expansion valve होता क्या चीज है? आपके बीसी साइकिल में expansion valve जो यूज होता है, that means throttle valve. जो throttle valve आपका यूज होता है, वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है? तो उस चीज को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. इज इट ऑल राइट? एक्सपेंशन वॉल्व और थ्रॉटल वॉल्व. ये एक्सपेंशन वॉल्व और थ्रॉटल वॉल्व होता क्या चीज है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वर्क ऑन बेसिस ऑफ कांस्टेंट एरिया टाइप और वेरिएबल एरिया टाइप. ठीक है, ये कांस्टेंट एरिया टाइप पे डिजाइन किया जाता है, इसकी वर्किंग होती है, या फिर कांस्टेंट या फिर वेरिएबल एरिया टाइप पे इसकी वर्किंग होती है. सो फर्स्ट वर्किंग ऑन बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट एरिया टाइप. कॉन्स्टेंट एरिया टाइप एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल. वेरिएबल वॉट? वेरिएबल एरिया टाइप. ओके, वेरिएबल एरिया टाइप. एंड हियर योर एक्सपेंशन इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस. Isoenthalpic process, that means in this process your enthalpy is gonna be constant. That means S3 is just equal to what? H4. That means in this process your enthalpy gonna be constant. Aapki enthalpy constant hoti hai. Constant area type, that means what? Capillary tube type. Okay? Capillary tube type. Okay, and variable area type like that, like this. Variable area type like this, variable area type tube. And here constant area type too, that means this constant area. Area gonna be constant. And the, in this process, your area here H1 and your area here H2. But in this process, your A1 and A2 both are what? Both are equal. So constant area type, and here A1 is not equal to A2. That means variable area type. Is it all right? Okay. And this type of capillary or this type of constant area type expansion valve is gonna be used in window AC. Okay. Iska kahan use hota hai? Window AC mein use hota hai. Ya fir iska use water cooler mein hota hai. वाटर कूलर में होता है, या फिर इसका यूज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है. ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है. इज ऑल राइट? एंड यहां पे आपका प्रेशर ड्रॉप जो है, यहां पे आपका प्रेशर ड्रॉप है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. प्रेशर ड्रॉप आपका क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. बिकॉज जैसे जैसे आपका लिक्विड आगे फ्लो होगा, वैसे वैसे एरिया कम हो रहा है, तो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी. सो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा. बट यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है, यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है, वो क्या है? कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा. इज इट ऑल राइट? ओके. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस कैपिलरी ट्यूब, this capillary tube is nothing but like that, this type of expansion valve gonna be used. That means in this process you is your Q equal to AB. That means Q equal to AB gonna be constant. That means यहाँ पे अगर आप HF calculate करोगे by the using of fluid, so in this process P2 minus P1 divided by rho g. Okay, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई रो जी, या फिर हेड लॉस जो आप निकालोगे वो क्या होगा? FLBU स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GT. ये इसका हेड लॉस होगा. ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा. दैट मीन्स डेल्टा टी ड्रॉप भी आपका इंक्रीज होगा. जैसे जैसे आपकी डाया बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर ड्रॉप आपका डिक्रीज होगा. इज इट ऑल राइट? But here your pressure drop is constant.
ओके यहाँ पे आपका प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इन इवापोरेटर। एंड ये चीज यूज की जाती है कहाँ पे, मिल्क चिलिंग प्लांट में, मिल्क चिलिंग प्लांट में इसका यूज होता है। इज इट ऑल राइट? दैट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन मेंटेन की जाती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपकी मेंटेन की जाती है पी इक्वल टू कांस्टेंट ओवर योर टीएस कर्व। ओके ओवर योर टीएस कर्व यू हैव टू मेंटेन योर पी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके एंड नाउ फॉर दिस प्रोसेस योर सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, कि कांस्टेंट सुपर हीट एंड थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व गोना बी फिटेड एट बोथ एंड। मतलब यहाँ पे आप थर्मोस्टैटिक वॉल्व को फिट करोगे, यहाँ पे भी थर्मोस्टैटिक वॉल्व को फिट करोगे, जिसके कारण इजिली आपका हीट रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके सो कांस्टेंट एरिया टाइप एंड वेरिएबल एरिया टाइप के लिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट कोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो हेयर कांस्टेंट एरिया टाइप के लिए योर एक्सपेंशन वॉल्व इज दिस एंड दिस इज योर कांस्टेंट एरिया टाइप एंड दिस इज योर वेरिएबल एरिया टाइप। तो इन दोनों के लिए आपको स्टेटमेंट नोट करना है। तो कांस्टेंट एरिया टाइप के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करिए कि कैपिलरी ट्यूब इज लॉन्ग एंड स्मॉल डायर ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज लॉन्ग एंड स्मॉल डायर ट्यूब, स्मॉल डायर ट्यूब। ओके When refrigerant gonna be flow in the tube, when refrigerant is flow inside tube, जब इस ट्यूब में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, ओके द प्रेशर गोना बी डिक्रीज, ओके द प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। Is it all right? That means between the refrigerant and surface of the tube, the pressure drop is directly proportional to the length and inversely proportional to the dia. वो भी कैसे? वो भी इस तरीके से. HF is just equal to P2 minus P1 divided by rho g. That means this equal to FLV square divided by 2GD. That means आपका जो pressure drop है, directly proportional to your length. And your pressure drop is inversely proportional to your dia of this tube. Okay. And if you want to write some statement for variable area type, तो variable area type के लिए क्या statement होगा? यहाँ पे उसके लिए भी statement quote करिए कि it maintain constant superheat at the exit of evaporator or inlet of compressor to avoid wet compression and the sensible bulb is installed at the exit of compressor. तो आप यहाँ पे क्या नोट करोगे? It maintain constant superheat at the exit of evaporator. Okay, at the exit of evaporator. Or inlet to compressor to avoid wet compression. Okay, and for this case the sensing bulb is installed at the exit of evaporator. Okay, so by this way we can easily understand our expansion valve or throttle valve. Okay, so my dear friends, here your lecture gonna be complete, and after that we are going to consider our this topic. And this topic is very important. That means characteristics curve of VC cycle. So what is the characteristics curve of VC cycle is understand by our next lecture.
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ बीसी साइकिल। बीसी साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होंगे बीसी साइकिल के, वो अप्रोक्स 6 कर्व यहाँ पे प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इन बिटवीन इवापोरेटर टेम्परेचर वर्सेस अदर, दैट मीन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट, एंड आफ्टर दैट इवापोरेटर टेम्परेचर वर्सेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, दैट एंड टी लोअर इवापोरेटर टेम्परेचर वर्सेस पी पी के फॉर्म में, मतलब पी इनपुट के फॉर्म में। उसके बाद कंडेंसर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट, एंड ऑल्सो कंडेंसर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, एंड ऑल्सो द कंडेंसर टेम्परेचर वर्सेज द पावर इनपुट। तो हम इवोपरेटर टेम्परेचर एंड कंडेंसर टेम्परेचर के बिहाफ पे हम पावर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट के बारे में देखेंगे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में, एंड ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ नाइस डे।